अरे खुदावन, अपने नाम के वसीले से मुझे बचा और अपनी कुवत से मेरा मुंह साफ कर। अरे खुदावन, मेरी दुआ सुन, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत आप सबके साथ। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आप सब जो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं और हमें ऑनलाइन देखते हैं, आप सबों को आज की इस जोगा मकाम की इबादत में और आज की इस पाक कुर्बानी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इबादत हम खास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गुजारेंगे ताकि हमारा मुल्क इस मूसी वबा से बच सके और खुदावंद सारी दुनिया पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क को कौम पर रहम फरमाए और हमें इस वबा से बचा के महफूज रखे। खुदावंद दर हकीकत रहम करने वाला है, वो मुआफ़ करने वाला है और वो हमें चाहता है कि उससे सच्चे दिल से तौबा करके उससे मुआफ़ी मांगे और वो हमें मुआफ़ करे और चाहता है कि हम एक कदम उसकी तरफ बढ़े ताकि वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़कर हमें बचा सके। आए आज अपना आप मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दें ताकि हमारा खुदावंद इस मुश्किल घड़ी में हमें इस वबा से रिहा दे सके। इस इबादत के आगाज में आए सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इन पाक रस्मात में शरीक हो सके। सब मिलकर कहते हैं, मैं कहता हूं कि खुदा और आप सबके साथ हो। इकरार करता हूं कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों आए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। आए मेहरबान खुदा, तूने हमारी कमजोरी को देखकर मुलाजिम मदद के वसीले मुहैया किए, बख्श दे कि हम अपनी शिफा का असर शाफाई के साथ महसूस करें और नेक चाल चलन से कायम रखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तेरे साथ कुल कुछ की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरदर्द करता है। अभी हम बड़ी संजीदगी के साथ 14 मकाम की इबादत में शामिल हो गए। मकाम पहला, यीशु मसीह पर मौत का फतवा दिया था। वो कानून का हाकिम है और उसी का मुझ पर इख्तियार है, लेकिन वो खुदगर्ज और बेमुनसिफ है। मैं तलातूस के हुक्म के सामने झुकता हूँ क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यही है। क्या तुम उस हुक्म को रद्द कर सकते हो जो मैं तुम पर कायम करता हूँ? मेरे प्यारे खुदावन, यीशु बाप के हुक्म की तामील ने मुझसे तेरी जिंदगी छीन ली है। मेरा हर फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक होता है। मेरी सोच के अंधापन को दूर कर ताकि मैं ये समझ सकूं कि सिर्फ तू ही है जिसके हुक्म की मुझे तामील करनी चाहिए। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श।
हमें आजमाइश में ना पड़े बल्कि बुराई से बचा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुल्स का हो। हम पर रहम करें खुदावंद। कमजोर इंसान बना
जिसके लिए शरीर की लकड़ी का बोझ उठाना भी मुश्किल हुआ। इस दुख और अजियत में इब्ने इंसान किस कदर कमजोर हो चुका है, लेकिन मेरे लिए यही मेरे बाप की मर्जी है, जिसको कबूल किए बगैर मैं तुम्हारे लिए मिसाल और नमूना ना बन सकता था। अगर तुम मेरी तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें इस जमीनी और फानी साथ की कमजोरियों को ठीक और उचित और बहाना किए बगैर कबूल करना होगा। आए मेरे प्यारे यीशु, मैं किस तरह इनकार कर सकती हूँ या पूरी रजामंदी से अपनी कमजोरियों को कबूल कर सकती हूँ? मेरा गुस्सा और चिड़चिड़ापन, मेरा हसद और ऐब जोई, मेरी जिस्मानी, जहनी, अखलाकी और रूहानी कमजोरियाँ, ये सब मेरी हस्ती और जिंदगी से वाबस्ता है, क्योंकि ये तेरी मर्जी है, इसलिए मैं खुशी से इन्हें बर्दाश्त और कबूल करती हूँ। मुझे उन तमाम सलीबों के बावजूद खुश रख। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्शते हैं, तू भी हमारी बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसा कि हम पर रहम करे खुदावंद। मेरी प्यारी माँ मुझे देख रही है कि मुझे घोड़े और तमांचे मारे जा रहे हैं, मुझे हैवानों की तरह घसीटा और धकेला जा रहा है। वो मेरे तमाम जख्म गिन सकती है, वो बहुत गमगीन और दुखी है और साथ साथ बेबस और लाचार भी। वो ना तो कोई शिकायत कर सकती है और ना ही कोई शिकवा व इल्तिजा, और ना ही उसके जहन में इस किस्म का कोई ख्याल करता है। वो मेरी और मैं उसकी सीधी वफादारी में बराबर शरीक हूँ। हम एक दूसरे की आंखों से दुख और गम नहीं छुपाते। आए मेरे प्यारे खुदावंद, मैं सुन और समझ रही हूँ कि तू मुझसे क्या कह रहा है। हाँ, मुझे दूसरों के दुख और तकलीफें ज्यादा महसूस होती हैं। तेरे पीछे आने के लिए मुझे अपनी सलीब उठानी और दूसरों के दुख देखने और महसूस करने चाहिए, ताकि उनकी हमदर्द और गमखार बनूं। मुझे अपनी माँ जैसा प्यार करना सिखा। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
जमीन पर भी हो। और जिस तरह हम देकर श्राद्ध को बख्शते हैं तुम्हें हमारे कर सब बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि पिता ने था अब है और हमेशा होगा। हम पर रहम करें खुदावंद। हम पर रहम करें खुदावंद। के चेहरे आंसुओं उलझनों
शत्रु मायूसियों मुश्किलात से जख्मी चेहरे मेरे ही चेहरे तो हैं। मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ, मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे आंसुओं दुखों और जख्मों को पहुँचने के लिए आगे बढ़ो। आए मेरे खून अलूदा और जख्मी खुदावन, जो कुछ तू मुझसे चाहता है वो मेरे लिए वाकई मुश्किल है। तू मुझसे हिम्मत और कुर्बानी तलब करता है, मैं कमजोर हूँ। मुझे कुवत दे, खौफ के सबब से मुझे दूर भागने ना दे। खुदावन मुझ में सुकून कर, मुझे अपना जलाल दिखा, मुझे अपना प्यार दे। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सब इंसानों को, ताकि इस जमीन पर जख्मों दुखों मायूसियों आंसुओं से भरा हुआ हर चेहरा पाक और साफ हो जाए। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसे कि खुदा में था अब है और हमेशा होगा। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन। लेकिन जो कुछ तू चाहे
मैं तेरे साथ हमेशा करने को तैयार हूँ। मैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, क्योंकि हमारे कर्जदार से बख्श, हमें आसमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। जनाब बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि दुआ में था अब है और हमेशा होगा। आमीन। Thank you.
खुदावंद तू अजीम और कादिर है, क्योंकि तूने हमें निजात बख्शी है। मेरी ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मेरा जिस्म बेहरकत हो चुका है और अब मैं एक बेजंगे पत्थर पर गिर पड़ा हूँ। अब सिपाहियों के मुक्के या चूजे भी मुझे दोबारा उठा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरा अज़्म और हौसला बरकरार है। क्या तुम जानते हो कि चाहे तुम्हारा जिस्म दुख और थकावट से चकनाचूर हो जाए, लेकिन दुनिया की कोई ताकत तुमसे दोबारा उठने की कुव्वत नहीं छीन सकती। असल और हौसला तुम्हारा ही है। ऐ मेरे खुदावंद यीशु, मैं देखती हूँ कि तू कुछ लम्हे आराम करता है, लेकिन फिर उनका और लड़खड़ाता हुआ अपना सफर जारी रखता है। मेरी जिंदगी में मेरा भी यही हाल है। जब लोग मुझे मुजरम ठहराते और मलामत करते हैं, तो मेरी कुव्वत और हौसला जवाब दे जाते हैं, मुझे मजबूती से थामे रख और कभी ना उम्मीद ना होने दे, मुझे कभी भी ये एहसास ना होने दे कि मेरा कोई भी गुनाह तेरे रहम और प्यार से बड़ा है। और चाहे मेरा माजी कैसा भी गुनाह करूँगा क्यों ना रहा, मैं फिर भी और हमेशा नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि खुदा ने था अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम करें खुदावर, हम पर रहम करें खुदावर। अपनी जान और जो कुछ भी मेरे पास है
अपना सब कुछ तुझे पेश करती हूँ। दौलत, इज्जत, शोहरत जैसी ख्वाहिशात को मुझसे दूर रख। दूसरों की निस्बत हर किस्म की रंजिश, हसद, नफरत मेरे दिल से नकार फेंक। गुरूर, तकब्बर, खुदपरस्ती से मुझे निजात दिला। खुदावन, मुझे गरीबी, फरोतनी, हलीमी और अपनी रफाकत और मिलाप में दौलतमंद बना दे। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे दोष की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम कर्जदार को बख्शे हैं, तुम्हें हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह अल-कुद्स का हो, जैसा कि पहले में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। हमारे कर्ज हमें बख्श, और आसमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि पिता में हमेशा होता है। आमीन। हम पर रहम करें खुदावंद, हम पर रहम करें खुदावंद। आए खुदावंद, तू असीम और कादर है, तूने हमें निजात बख्शी है। देखो तुम्हारी सलीब अब मेरे और बाप के दरमियान लटक रही है। आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। ऐ हारून, देख तेरा बेटा, देख तेरी मां, मैं प्यासा हूं। तमाम हुआ, तुमसे गुफ्तगू करने के लिए मुझे अपनी कलाई और बाजू को नीचे दबा कर और अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है। इस तरह अज़ियत की लहर जो मेरे जिस्म में सरायत करती है मुझे निकल जाती है। हाय मेरे खुदावंद, हाय मेरे खुदा, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं दुखों और मसाइब समेत अपनी तमाम तर जिंदगी पेश करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी एक लम्हा के लिए भी नहीं बढ़ा सकती। अपने गुनाह की खातर और तमाम इंसानों के गुनाह की खातर मैं तुझे अपनी जिंदगी और मौत पेश करती हूँ। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, तूने हमें क्यों छोड़ दिया? हमें माफ कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजियों की आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज को बख्श, और हमें इस बख्शे में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि पिता में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद।
मकाम देवम यीशु की लाज शरीफ से उतारी जाती है। हाय खुदावंद, तू असीम और कादर है, क्योंकि तूने हमें निजात बख्शी है। मैंने कुर्बानी दे दी है, मेरी कुर्बानी मुकम्मल हो गई है, लेकिन अब मेरी माँ की कुर्बानी बाकी है। मेरी माँ अपने बेटे की जिंदगी से महरूम और मसलूब शुदा जिस्म को गोद में लिए बैठी है। जब तुम्हें उनसे जुदा होना पड़ता है जिन्हें तुम प्यार करते हो, तो उस वक्त तुम गम सदा होते हो। अपने गम की हालत में मेरे इस गम पर गौर करो। कल्पनी पर मेरी माँ की शिरकत के बायस तुम नजात पा गए। हाँ, तुम्हारे गम भी दूसरों के निजात का बायस बन सकते हैं। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, मुझे जुदाइयों और गमों को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वो दोस्त जो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं और वो जो मेरे बहुत ही करीब और अजीज हैं, मुझे फजल दे ताकि जिस तरह तू उन्हें अपने साथ मिलाकर खुश हुआ, मैं भी तेरी मुकद्दस ख्वाहिश को पूरा कर दूँ, ताकि अपने अल्फाज और अमाल के जरिए इनमें नई जिंदगी बहाल करूँ और हमेशा तेरी ख्वाहिश की ताबेदारी करूँ। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजी रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें भलाई से बचा। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह अल-कुद्दस का हो, जैसा कि खुदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद। और प्यार और मोहब्बत बड़े काम जो तू ना कर पाया
मैं करती रहूं, लेकिन मेरा जिस्म कमजोर है, ऐ खुदावंद मुझे हिम्मत दे ताकि मैं मुस्तकिल मजाजी और साबित कदमी नभा सकूं और तमाम मसाइल को तेरे ही नाम में बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन ऐ खुदावंद मैं खुद कुछ भी नहीं, मेरी मदद कर। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्जदार को बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि खुदा ने था अब है और हमेशा होगा, आमीन। हम पर रहम कर रहे खुदावन, हम पर रहम कर रहे खुदावन। मसीह खुदावन मेरे अजीजो, अक्दस कुर्बानी जारी रहेगी और आज की अक्दस कुर्बानी हम खास तौर पर इस वबा की जद में आए हुए तमाम मरीजों के लिए गुजारेंगे कि प्यारा खुदावन उन्हें शिफायाबी अता करें और तमाम डॉक्टर्स और नर्सिस और तमाम हमारे सिक्योरिटी अहलकार पुलिस और तमाम हकूमती जितने भी हमारे वजारतदार हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी रहनुमाई करें। ऐ मालिक कौन मकान, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तूने अपनी फियाजी से हमें ये रोटी बख्शी है जो हम तेरी नजर करते हैं। जमीन और हमारे हाथों की मेहनत का ये फल हमारे लिए जिंदगी की रोटी बने, हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक हो। हमेशा से हमेशा तक खुदा हमारे साथ हो। अजीजों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक पाक के हजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ कादर मुतलक खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि ये पाक कुर्बानी हमें अपने मजबूत असर से पाकीज़गी दिलाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम बिल्कुल मुकद्दस होकर अपने वाली के पास जा पहुँचे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ हाथ लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें।
ये वाकई ही वाजिब और नहायत मुनासिब है कन्नूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू जिस्मानी रोज़ों से हमारी पूरी ख्वाहिशों को दबा कर और हमारे ख्यालों को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अजर अनायत करता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कुद्दूस 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 खुदा बदशों के खुदा आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आज वे बाला पर होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज वे बाला पर होशाना आए मेहरबान बाप तू वाकई ही कुद्दूस है। तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैका प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भेद हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नेज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक पाक हमारी मरियम हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम लोग सदा कर सकें।
उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझ कादरे मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदा ने सिखाई है। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बलियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्शता कि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। आए हम सुलह सलामती के लिए खुदावर से दुआ मांगे। अरे खुदावर यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलाम करे तहत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है, आमीन। खुदावर की सलामती हर वक्त आप सबके साथ। अरे खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, आए खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, आए खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें सलामती अनायत करे। अजीजो यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफ़त पे बुलाए गए। आए खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाई, मसीह का बदन और खून में हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे, आमीन। आए रूहानी तौर पर खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून को महसूस करें और थोड़ी देर की खामोशी में आप दुआ कीजिए और खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए। Thank you.
हमें मसीह ने उसके खून के वसीले से मखलसी यानी उसके फजल की दौलत के मुताबिक गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अनाजगर के जिस तरह पुरानी चीज़ों की जगह रोज़ बरोज़ नई चीज़ें देखने में आती हैं, उसी तरह हम भी अपनी पुरानी इंसानियत छोड़कर अपने दिलों को पाक करें और बिल्कुल नए हो जाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह अल-कुद्स की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इतवार को सुबह 9 बजे आप लोग इबादत में शिरकत कर सकते हैं। इतवार सुबह 9 बजे हम इतवार की इबादत करेंगे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती में रहें। Yeah.